1000 words on a canvas. नाम से ही उसका मतलब पता चल जाता है। एक कैनवस पर जैन कमल जी ने हजारों से भी ज्यादा शब्द लिखे हुए हैं। पेंटिंग्स को समझना बहुत ही मुश्किल है, स्पेशली हम जैसे लोगों के लिए। हर पेंटिंग अपने अंदर बहुत सी बातें छुपाए रखती है, जिसे समझने के लिए नजर काफी नहीं होती। मगर उस दिन जैन कमल दादा ने हमें अपने पेंटिंग्स सिर्फ दिखाए नहीं, बल्कि उनके हर पेंटिंग में छिपे राज को हमें समझाया। उनके पेंटिंग्स में लाखों शब्द छिपे थे, जो खुद अपने आप में एक नया आविष्कार है। पर इतना काफी नहीं था, उनके पेंटिंग्स में और भी चीजें थी। उनके पेंटिंग्स में सिर्फ चित्र ही नहीं, बल्कि संस्कार भी थे। उनके पेंटिंग में सिर्फ शब्द ही नहीं, बल्कि आवाज भी थी। सिर्फ मंत्र ही नहीं, बल्कि एक आत्मिक शांति भी थी। दुनिया को देखने का एक अलग नजरिया उनके पेंटिंग में था। पेंटिंग्स में मंत्र तो थे, मगर उन पेंटिंग्स में अलग अलग भाषाएं भी थी। और सबसे अलग भाषा थी वो लिपि, जो हमारी सारी भाषाएं की माँ है, जिसका इससे पहले बहुत लोगों को ज्ञान नहीं था। उस दिन आर्ट एग्जीबिशन में जब हमने उनकी नज़र से हर चीज को देखने की कोशिश की, तो ऐसा लगा वी हैव अचीव्ड द हाइट ऑफ पीस एंड हैप्पीनेस। लेट्स एंजॉय एंड नो द मीनिंग ऑफ दिस प्रेशियस पेंटिंग्स। हियर आई एम टॉकिंग अबाउट हिंसा एंड अहिंसा। हाँ, हिंसा बोलोगे तो देखो, कोरियन वो लड़का है, कोरियन प्रेसिडेंट, क्या नाम है उसका, सिंग जाओ, हाँ समथिंग, हाँ वो अमेरिका को डरा रहे, तुम मुझे डराओगे तो मैं ब्लास्ट कर दूंगा, तुमको मार दूंगा, आधा अमेरिका उड़ा दूंगा। ही इज टॉकिंग अबाउट ए कण, ही इज टॉकिंग अबाउट अनु, अनु परमाणु को जोड़ रहा है वो और ब्लास्ट करना चाह रहा है, और वो अपनी शक्ति दिखाना। वो देखने में तो बटाटा जैसा, एक सुंदर सा डॉल जैसा दिखता है, इतनी हाइट है, गोल मटोल सा है, एक ब्यूटीफुल शेप है, लगता है चाबी वाले खिलौने जो इंडिया में मिलते हैं उस तरह का वो चाइनीज खिलौना दिखता है। तो उसने एटॉम की एनर्जी को निगेटिविटी में लिया है कि तुम मुझे डराओगे तो मैं तुमको मार दूंगा। इज लाइक ए महावीरा, निगेटिव पार्ट ऑफ महावीरा। हियर जैन कमल थिंक अबाउट पॉजिटिव पार्ट ऑफ महावीरा। अनु है, कल है, ब्लास्ट किया और एक ऊर्जा जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है, दैट इज द वैल्यू ऑफ दिस। इसमें 3.5 लाख से ज्यादा नमों का मंदिर है। अब देखो, तो हम प्योरिटी की ब्लास्ट कर रहे शिल्पा, और देखो कितना शार्प है, शिव के त्रिशूल जैसा है हर कोना, और एक प्रकार का एनर्जी जो है ब्लास्ट कर रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में, दैट इज द पार्ट ऑफ दिस। इस अक्षर का कंप्यूटर में निर्माण 90s में किया था मैंने, कॉपीराइट है। 40 करोड़ से ज्यादा कंप्यूटर में इंडिया में इसको यूज कर रहे हैं लोग। ये मैंने 1990 में बनाया था। आज कितना 20 साल हो गया रखे। अब मैंने उसको, अक्षर को, ब्रह्मांड को मैंने पर्यावरण रक्षा हेतु मंत्र बनाया है। सो हियर आई एम टॉकिंग अबाउट पर्यावरण रक्षा हेतु। हम प्लास्टिक, जमीन सब खा चुके हैं, कॉन्क्रीट जंगल हो गए हैं, नेचर खत्म हो रहा है। अगर ऐसा खत्म हो जाएगा तो इस साल बीएमसी में हाँ सब लोग लड़ रहे, इतना पानी हो गया शहर में, तो अगले साल इतना हो जाएगा। तुम कुछ भी कर लो, भगवान खुदा खुदा है, उससे लड़ नहीं सकते ना, उसकी ब्यूटी से नहीं लड़ सकते। हम लोग उनसे लड़ रहे हैं, उसको डैमेज कर रहे हैं, उसका हाथ तोड़ रहे, पैर तोड़ रहे, सरकार भगवान का। तो पर्यावरण अच्छा है, और 5 लाख से आराम एक शब्द ईजाद हुआ है तो आगम से पुराना है संस्कृत में और लिटरेचर में, लेकिन फर्स्ट टाइम मैंने उसको पेंटिंग में लेना शुरू की है वर्ल्ड में, और उसके साउंड वाइब्रेशन को मैंने ड्रॉ किया है ऊपर। यहाँ पे अरहम शब्द का अरहम मतलब ओम, मैग्नेटिक ओम। तो ये पूरा जो है ब्रह्मांड मंत्रों का है, और पूरा ब्रह्मांड जो है उसमें ऊर्जा चल रही है पॉजिटिव। इसी जो अरहम शब्द आपने बोला ना, यहाँ पे अरहम शब्द का जैसे ओम बोलते हो ना,
एक राउंड साउंड जाता है, नाद ब्रह्म बोलते हो, शिव बोलते हो, वो एक सर्किल जाता है, दो सर्किल में जाता है, और हम आहम बोलने से दो सर्किल चलता है। तो जैसे मैग्नेट मैग्नेट होता है तो उसके नॉर्थ साउथ एक साथ मैच नहीं करेंगे, वो अपोजिट हो जाएगा। तो अर्हम साउंड उसी तरह का है। तो पूरे वर्ल्ड को ये सब 4 लाख से ज्यादा मंत्र होते हैं, अर्हम सबके साउंड वायरस को, ये वर्ल्ड की पहली पेंटिंग है जिसमें अहम सबके साउंड वायरस को एडवांस कर दो। आपको फील आएगा अगर आप यहाँ पे बैठ जाओ 10 मिनट के लिए, अभी तुम तो दूर से चल के आए हो तो तुमको एकदम अच्छा हो जाएगा। ये कोई मैं जादू टोना नहीं बोल रहा हूँ, ये पॉजिटिव वाइब्रेशन, क्योंकि क्योंकि आप चाहे खड़े हो वहाँ पे 10 करोड़ मंत्रास मैंने लिखे हैं, तो उसका करंट है, उसका वाइब्रेशन है, पॉजिटिविटी और नेगेटिव का वाइब्रेशन होता है, दैट वाइब्रेशन इज हियर इन दिस एरिया। तो उनके बचपन से लेके 5000 पोर्ट्रेट्स बनाए हैं, तो हम उस खुशबू को ओम के अरहम के ओम को वाइब्रेशन के साथ ड्रॉ करने की कोशिश की। जो 15,000 साल पुरानी लिपि है उसमें लिखा हुआ है कि हम अपनी माँ को माँ नहीं बोल सकते, शिल्पा को शिल्पा नहीं बोल सकते, कमल को कमल नहीं बोल सकते, ऐसा वातावरण खड़ा हो गया है इधर 70 सालों में।